दोस्तों मलेशिया में पीले रंग के कपड़े बैन क्यों हैं? कैसे स्पेस से आई कॉस्मिक रे हमारे कंप्यूटर्स के लिए घातक साबित हो सकती है? हाईवे पर बनी व्हाइट लाइंस का मतलब क्या होता है? और ज्यादातर इंडियंस अपने घर के बाहर नींबू मिर्ची क्यों टांगते हैं, जानेंगे आज के इस वीडियो में। तो बने रहिए वीडियो में एंड तक मेरे साथ। तो हेलो गाइस, मैं कौशिक और चलिए शुरू करते हैं धुआंधार फैक्ट से आज के इस एपिसोड को। फैक्ट नंबर 15। दोस्तों क्या आप जानते हैं कि मलेशिया में पीले कपड़े पहनने पर लोगों को जेल हो सकती है, क्योंकि यहां के लोग इसे सरकार के खिलाफ अपना गुस्सा जाहिर करने के लिए पहनते हैं। साल 2015 में मलेशिया सरकार द्वारा किए जा रहे करप्शन के खिलाफ वहां के लोगों ने पीले रंग के कपड़े पहनकर रैली निकाली थी, जिसके बाद से मलेशिया की होम मिनिस्ट्री ने पीले कपड़ों की बिक्री, खरीद, प्रोडक्शन और प्रिंटिंग पर रोक लगा दी थी। फैक्ट नंबर 14। दोस्तों जापान में कार पार्किंग की जगह की समस्या इतनी ज्यादा है कि वहां की सरकार ने एक नियम बना रखा है, जिसके तहत इस देश में सिर्फ वही लोग कार खरीद सकते हैं जिनके पास पार्किंग की जगह होगी। कार खरीदने से पहले इन लोगों को यह साबित करना होता है कि उनके पास पार्किंग की जगह है या नहीं। फैक्ट नंबर 13। दोस्तों क्या आप जानते हैं कि हाल ही में इमरान खान रशिया गए हुए थे, लेकिन रशिया जाना उनके लिए काफी महंगा पड़ गया। उन्हें ना ही इज्जत मिली और ना लोन, मिला भी तो अमेरिका से $55 मिलियन के जुर्माने का तोहफा। दरअसल पाकिस्तान के प्रधानमंत्री का रूसी दौरा ऐसे मुश्किल समय में हुआ जब यूक्रेन और रशिया के बीच में युद्ध चल रहा है और अमेरिका सहित तमाम देश रशिया की आलोचना कर रहे हैं। प्रधानमंत्री इमरान खान इस मुश्किल वक्त में रशिया पहुंचते हैं, कोरोना टेस्ट करते हैं और अपनी ओर से हर संभव कोशिश करते हैं कि रशिया के साथ दोस्ती गहरी की जा सके और उन्हें रशिया से लोन मिल सके। लेकिन ये होना तो दूर, अमेरिका की ओर से उन्हें $55 मिलियन का जुर्माना तोहफे में जरूर मिला। अमेरिका ने पाकिस्तान पर एंटी मनी लॉन्ड्रिंग उल्लंघन और बार बार शिकायत के बाद भी इसका उल्लंघन के चलते ये कार्रवाई की है। फैक्ट नंबर 12। दोस्तों 20वीं सदी के शुरुआत में महिलाओं ने सड़कों पर होने वाले सेक्सुअल हैरेसमेंट से लड़ने का एक ऐसा तरीका ढूंढ निकाला था जिसके बाद कोई भी पुरुष उनकी ओर गंदी नजरों से देखने की हिम्मत नहीं कर पाता था। ये महिलाएं सेक्सुअल हैरेसमेंट करने वाले पुरुषों के ऊपर हैट में लगाए गए हैट पिन से अटैक करती थी। हैट पिन के द्वारा किया गया ये अटैक इतना इफेक्टिव साबित हुआ कि हैट पिन वुमेन एम्पावरमेंट का सिंबल बन गया। हैट पिन से होने वाले जख्म तो ज्यादा गहरे नहीं होते थे, लेकिन ये काफी ज्यादा दर्दनाक होता था जिससे उनकी सारी मर्दानगी निकल जाती थी। फैक्ट नंबर 11। दोस्तों वैसे तो आप रोज नहाते होंगे, पर क्या आपने कभी ये सोचा है कि इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में एस्ट्रोनॉट्स कैसे नहाते हैं? ये हमारी तरह तो बिल्कुल नहीं होता, क्योंकि जीरो ग्रेविटी में पानी बिल्कुल जेल की तरह हो जाता है, जिस वजह से एस्ट्रोनॉट्स को टॉवल में पानी और बॉडी वॉश लेकर अपनी बॉडी को साफ करना होता है। इतना ही नहीं, अपने हेयर वॉश करने के लिए भी एस्ट्रोनॉट्स वाटरलेस शैम्पू का यूज करते हैं, क्योंकि ऐसा करने पर शैम्पू में झाग नहीं बनता और उनके बाल भी साफ हो जाते हैं। फैक्ट नंबर 10। दोस्तों जिस तीखी हरी मिर्च को खाने पर हम इंसानों की हालत खराब हो जाती है, क्या आपने कभी ये सोचा है कि उसी मिर्च को परिंदे इतनी आसानी से कैसे खा जाते हैं? ऐसा इसीलिए होता है क्योंकि परिंदों में तीखापन का स्वाद होता ही नहीं है, यानी कि उन्हें तीखापन महसूस ही नहीं होता, इसीलिए वो हरी मिर्च भी बड़ी आसानी से खा जाते हैं और उनके जरिए मिर्च के बीज भी चारों तरफ फैला देते हैं। फैक्ट नंबर 9। दोस्तों साल 2010 में मैकडॉनल्ड्स ने अपने हैप्पी मील्स के साथ एक ऑफर की शुरुआत की थी, जिसमें बच्चों के लिए तैयार किए जाने वाले हैप्पी मील्स के पैकेट में सरप्राइज खिलौना दिया जाता था। लेकिन यह ऑफर उस वक्त ब्लंडर मिस्टेक साबित हुआ जब मैकडॉनल्ड्स के कर्मचारियों ने हैप्पी मील्स के साथ खिलौना पैक करने के बजाय कॉन्डम्स पैक कर दिए। इन लोगों ने लगभग 5000 हैप्पी मील्स के साथ कॉन्डम्स पैक कर दिए थे और इन सभी पैकेट्स की डिलीवरी भी हो गई थी। नाउ जस्ट इमेजिन कि जब उन बच्चों ने पैकेट में खिलौने की जगह पर कॉन्डम देखा होगा, तब उनका और खासकर उनके पेरेंट्स का क्या रिएक्शन रहा होगा? फैक्ट नंबर 8। दोस्तों शायद ही आप ये जानते हो कि स्पेस से आई एक कॉस्मिक रे भी हमारे कंप्यूटर्स को नुकसान पहुंचा सकती है, और इसका जीता जाता एग्जांपल है 7 अक्टूबर 2008 को ही यह घटना, जिसमें एक एयरबस A330 नाम का एक एरोप्लेन जब सिंगापुर से ऑस्ट्रेलिया में पर्थ के लिए उड़ान भर रहा था, तब हवा में 3 घंटे की उड़ान भरने के बाद वह प्लेन कॉस्मिक रे की वजह से अचानक से कुछ समय के लिए नीचे की तरफ चला गया था, क्योंकि कॉस्मिक रे ने प्लेन के कंप्यूटर सिस्टम पर अटैक कर दिया था, जिससे उसे अपने एल्टीट्यूड पता करने में दिक्कत हो रही थी और वह अपना एल्टीट्यूड नीचे करता जा रहा था, जबकि उसे इसकी जरूरत नहीं थी। खैर ये गड़बड़ी सिर्फ कुछ ही सेकंड्स के लिए हुई थी, पर इस हादसे में करीब 119 पैसेंजर्स घायल हो गए थे।
फैक्ट नंबर 7। दोस्तों एक्स्ट्रा बॉडी पार्ट्स के रूप में एक्स्ट्रा फिंगर होना तो आम बात है, लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि कुछ लोगों के पास एक्स्ट्रा बॉडी पार्ट्स के रूप में एक्स्ट्रा निप्पल्स भी होते हैं। एक्स्ट्रा निप्पल्स वाले ऐसे ही एक शख्स हैं हैरी स्टाइल्स। हैरी इंग्लैंड के मशहूर सिंगर, सॉन्ग राइटर और एक्टर हैं। हैरी के पास टोटल 4 निप्पल्स हैं। इस कंडीशन को पॉलीथेलिया कहते हैं और आमतौर पर एक्स्ट्रा निप्पल्स रेगुलर निप्पल से कुछ इंच नीचे की ओर होते हैं, लेकिन कुछ मामलों में ये पेट या आर्म पिट में भी हो सकते हैं। अब पुरुषों को तो इससे कोई परेशानी नहीं होती, लेकिन महिलाओं में एक्स्ट्रा निप्पल्स होने पर बच्चे के जन्म के बाद उससे भी ब्रेस्ट मिल्क निकलने लगता है। फैक्ट नंबर 6। दोस्तों साल 1830 के आसपास टोमेटो केचप का इस्तेमाल किसी डिश में नहीं बल्कि दवाई के रूप में किया जाता था। इसे दवाई के रूप में दवा दुकानों में बेचा जाता था और दावा किया जाता था कि टोमेटो केचप डायरिया, इनडाइजेशन और जॉन्डिस जैसी बीमारियों को खत्म कर देता है। साल 1850 आते आते दवाई के रूप में इसकी चलती बंद हो गई और फिर बाद में इसका इस्तेमाल खाने के रूप में किया जाने लगा। फैक्ट नंबर 5। दोस्तों ये बात तो सच है कि भूकंप एक नेचुरल डिजास्टर है जो कभी भी बताकर नहीं आता, लेकिन आश्चर्य की बात तो ये है कि इस दुनिया में एक ऐसा जीव भी है जिसे 5 दिन पहले से ही भूकंप के बारे में पता चल जाता है। दोस्तों इस जीव का नाम है स्नेक, जो कि ना सिर्फ पहले से अर्थक्वेक के बारे में पता कर लेता है बल्कि करीब 121 किलोमीटर की दूरी से अर्थक्वेक को सेंस भी कर लेते हैं। फैक्ट नंबर 4। दोस्तों आपको जानकर हैरानी होगी कि इस दुनिया में अनाथ बच्चों की संख्या इतनी ज्यादा है कि अगर यह सभी बच्चे एक जगह होते तो उनकी पूरी आबादी दुनिया के सभी देशों की आबादी की लिस्ट में 9वें नंबर पर होती। यूनिसेफ के आंकड़ों के अनुसार दुनिया में लगभग 153 मिलियन अनाथ बच्चे हैं। इनमें से अकेले 20 मिलियन अनाथ बच्चे हमारे देश भारत में हैं। फैक्ट नंबर 3। दोस्तों आपने देखा होगा कि ज्यादातर इंडियंस अपने घर के बाहर नींबू और मिर्ची टांग कर रखते हैं, लेकिन क्या आपको मालूम है कि वह यह नींबू मिर्ची क्यों टांगे रहते हैं? दरअसल हिंदू मान्यताओं के अनुसार जब किसी घर में लक्ष्मी जी का आगमन होता है तब उनके साथ उनकी बहन आ लक्ष्मी भी उसी घर में आ जाती है, पर क्योंकि आ लक्ष्मी को तीखा और खट्टा खाना पसंद होता है इसीलिए वह घर में एंटर होने से पहले ही नींबू मिर्ची खाकर ही संतुष्ट हो जाती है, जिसके बाद लोगों के घर में सिर्फ लक्ष्मी जी का ही आगमन होता है। फैक्ट नंबर 2। दोस्तों हाईवे पर यात्रा करते वक्त बहुत से लोगों के मन में यह सवाल आता है कि आखिर हाईवे के बीच सफेद रंग से अलग अलग लाइंस क्यों बनी होती है और उनका मतलब क्या होता है। दोस्तों ये लाइंस असल में हमारी सुरक्षा के लिए बनी रहती है और इनका अलग अलग मतलब होता है। जैसे कि हाईवे के बीच सफेद लाइन अगर बीच बीच में कटी है तब आप अपने वाहन से ओवरटेक कर सकते हैं, लेकिन अगर बीच की लाइन सीधी बनी हुई है तो आपके लिए ओवरटेक करना थोड़ा रिस्की हो सकता है। साथ ही अगर बीच हाईवे पर दो पैरेलल लाइंस बनी हुई है तब आपका ओवरटेक करना आपके लिए बहुत ही ज्यादा खतरनाक हो सकता है और इसमें आपकी जान भी जा सकती है। फैक्ट नंबर 1। दोस्तों क्या आपको मालूम है कि इलोन मस्क मार्स पर न्यूक्लियर वेपन क्यों छोड़ना चाहते हैं? वेल, कई लोग एलोन मस्क के इस आइडिया को बेतुका क्यों ना कहते हो, पर सच तो यह है कि अगर ऐसा सच में हो जाता है तब मार्स बहुत हद तक हमारे रहने लायक या कहे धरती के जैसा ही हो जाएगा, क्योंकि उसके पोल कैप्स में जो कार्बन डाइऑक्साइड फ्रीज है वो न्यूक्लियर वेपन से हुए विस्फोट से मार्स के एटमोस्फेयर में रिलीज हो जाएगी और मार्स के एटमोस्फेयर में एक लेयर क्रिएट कर लेगी जिससे सूरज से आने वाली हीट मार्स पर ट्रैप हो जाएगी और देखते ही देखते उसका वातावरण भी धरती की तरह गर्म हो जाएगा। हालांकि फिलहाल हम इंसानों के पास ऐसी कोई टेक्नोलॉजी नहीं है जिसकी मदद से हम मार्स को न्यूक कर पाए। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। मुझे उम्मीद है कि आज का ये वीडियो आपको काफी ज्यादा पसंद आया होगा। अब इसमें से आपको कौन सा फैक्ट सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग लगा मुझे नीचे कमेंट करके जरूर बताना। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करने के साथ साथ अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ जरूर शेयर करना। अगर आप नए हो इस चैनल पर और ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस को देखना चाहते हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ नोटिफिकेशन बेल ऑन कर देना ताकि आप देख सको हमारे वीडियो सबसे पहले। तब तक के लिए बाय, जय हिंद।